गौरव क्या है आपके पास बिल्कुल देखिए दिनेश आठ चरणों में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ जिसको लेकर टीएमसी ने सवाल उठाए आठ चरणों में कैसे चरण दर चरण चरन्द ये अब रुझान दिख रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है देखिए दूसरे चरण में यहां पर नंदीग्राम में ममता बनर्जी उनका चुनाव था इसलिए कहा गया कि उनको नंदीग्राम तक समेट कर, बीजेपी ने कोई मास्टर स्ट्रोक तो नहीं खोल दि, खेल दिया कहीं उनके सामने शुभेंदु अधिकारी को लाकर अब ये चरण दर चरण खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसा हुआ है देखिए पहला चरण आप देखिए पहला चरण जिसमें तीस सीटों पर वोटिंग हुई उसमें अगर देखें तो आप टीएमसी और बीजेपी के बीच के जो वोट सीटों का अंतर है वो बहुत कम है सत्रह पर टीएमसी आगे है बीजेपी तेरह पर आगे है दूसरा चरण भी यही कहता है दूसरे चरण में जब हम जाएं तो दूसरे चरण में भी टीएमसी और बीजेपी की सीटों का अंतर ज्यादा नहीं है बीजेपी बीस uh, दस uh, पे और टीएमसी दो बीस पे तीसरे चरण में जब हम जाएं तो तीसरे चरण में भी ये अंतर ज्यादा नहीं दिखता टीएमसी पंद्रह पर और बीजेपी तेरह पर लेकिन चौथे चरण से देखिए कैसे अंतर दिखना शुरू होता है चौथे चरण में जब हम जाते हैं तो ये अंतर बढ़ने लगता है और चौथे चरण में जब हम आते जाते हैं यहां पर आप देखिए टीएमसी पंद्रह पर बीजेपी अभी यहां पर अपडेट होता हुआ टीएमसी पच्चीस पर और बीजेपी सत्रह पर है यहां पर जैसे आगे बढ़ते हैं यह अंतर और बढ़ता है तो टीएमसी तैतीस सीटों, जा तो टी सीटों पर आगे दिखती है और दोगने का अंतर दिख रहा है बीजेपी और टीएमसी में सातवें चरण में जब हम जाएं तो सातवें चरण में क्योंकि नॉर्थ बंगाल में इलेक्शन हुए और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ टीएमसी गठबंधन में है ज्यादा वहां पर उन्होंने सीटें नहीं वहां चुनाव में नहीं उतरे टीएमसी उसके बावजूद वो यहां पर बीजेपी से एज बनाते दिख रहे हैं और आठवें चरण में जब हम दिनेश जाएं तो ये आठवां चरण बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है आठवें चरण में अंतर बहुत बढ़ जाता है टीएमसी पच्चीस पर आके दिख रही है और बीजेपी केवल नौ सीटों पर आके दिख रही है दिनेश गौरव आप ये इशारा कर रहे हैं कि जैसे जैसे कोविड रफ्तार पकड़ता गया टीएमसी के फेवर में चीजें जाती गई एक एक हुई हुई देखिए जैसे जैसे कोरोना के बारे में बात उठने लग गई कि क्या पश्चिम बंगाल में रैलियां बंद होनी चाहिए पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार पर लगा लगनी चाहिए दो मई दीदी गई जो नारा दिया जा रहा था जिसके बारे में शीतल जी अभी कह रहे थे क्या ये जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा भी एक जो थम रूल लिया जाता है ये हमेशा जब परसेंटेज बढ़ेगा पोल परसेंटेज पहले के मुकाबले मतलब एंटी होगी घटेगा मतलब ये के हिसाब से होगा चीजें यहां ये कहा जा रहा था कि पोल परसेंटेज इसलिए घटा है क्योंकि कोविड की वजह से हो सकता है वो टर्नआउट ना हुआ हो क्या यही दिखाई दिया है जो सत्ता पक्ष के लिए उसके प्रो वोट गया है फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत पर